यह करोड़ों करोड़ों रुपए का कपड़ा एक एक दिन पहन के और एक एक दिन पार्टी करके खत्म कर देते हैं। हीरो ये नहीं है, सबसे बड़ा दोष आप लोग हीरो मत कहा करिए। इन नचनियों को, भाड़ों को, जो ड्रग पी के नंगा होके और लोगों के समाज में गालियां देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली तमाम तरह के दिखाते हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे ये जितने हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सोच अलग थी, वो राष्ट्रवादी सोच का आदमी था। इस काकस में ये रैकेट बनाए हैं ना, एक रैकेट है, गोल है, उसमें अगर कोई राष्ट्रवादी घुस न पाए। इनका मिशन हमेशा जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत की संस्कृति विरोधी। कंगना रनौत गलत क्या कह रही है? बॉलीवुड क्या जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होती हैं दीपिका पादुकोण, क्या मतलब है उसका भैया? क्या पूरा देश ने क्या कहा? जहाँ लगते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जहाँ इस तरह के नारे लगते हों, भारत माँ के टुकड़े करने की बात करते हों, तो बताइए वहाँ जाके अगर फिल्मी दुनिया के जिनके करोड़ों लाखों हजारों फॉलोअर हैं, हम उनको अपना आइकान मान के उनके पीछे पीछे चल जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जब वहां जाके खड़े होते हैं तो भारत मजबूत होता है क्या? पूछता है भारत कि जब वहां जाके दीपिका पादुकोण जैसे लोग, दीपिका पादुकोण जैसे लोग जब जेएनयू में जाके खड़ी हो जाती हैं तो उससे भारत मजबूत होता है क्या? मैं पूछता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में कठुआ कांड होता है तो पूरा बॉलीवुड खड़ा हो के यहां 100 करोड़ हिंदुओं को, जो बाद में नहीं, यह कहते हैं तख्ती लगा लेते हैं कि वी आर सेम हिंदू, जो हिंदू दुनिया के सारे सिखों माने सारे धर्मों को अपने गले लगा लिया, अपन कभी अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे धरती पर जितने लोग हैं सबको वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, जो पूजा भी करता है, तो जानते हैं हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। एक तरफ पढ़ लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि अजान का मतलब क्या होता है। जितने बाकी धर्मों में जो प्रार्थना है उसका अर्थ निकाल लीजिएगा। अभी अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा का, नए लोकसभा का उद्घाटन कर रहे थे, ठीक ना, उसमें एक पादरी साहब आए थे, सर्वधर्म समभाव के उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, बुलाए थे सबको कि आइए और सारे लोग प्रार्थना करिए। वह इस देश के है ना, वह जानते हैं क्या बोले, उसको सुन लीजिएगा। वह कह रहे थे कि अंग्रेजों का यह विरासत यह बन ही नहीं पाएगा, इस माने उनके हिसाब से उनके प्रभु यह कह रहे हैं कि यह नया, समझिए कितनी घृणा है इस भारत से बाकी लोगों का। हाँ जी सर, सुधीर जी वहीं अगर हम बात करें, जब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इंडस्ट्री का ही एक कलाकार जब चला जाता है इनके बीच से, और जिस पर अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है कि कहीं ना कहीं उसकी या तो उसका मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया, और मर्डर की संभावना ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये किसी भी रैली, ये किसी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये नहीं जाते हैं, जहाँ पर भी साइलेंट कैंडल मार्च होता है या फिर कुछ भी होता है, कोई भी बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं जाता है। वहीं पर अगर हम देख लें जेएनयू में या सीएनआरसी के दंगों के समय में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं उनका समर्थन करने, जब देश जल रहा होता है। तो क्या ये इनका दोगुलापना नहीं है, दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड नहीं है? तो क्या कंगना रनौत ने इनके लिए जो बोला क्या गलत बोला था? दोष हमारा है भाई, दोष यहाँ के लोगों का है कि इन भाड़ लोगों को, इन दोगले लोगों को, इन व्यभिचारियों को जो 5-5 मिनट के सीन के लिए लड़कियों को नंगा कर देते हैं, जो अफीम पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, समझिए इनके चाल चरित्र देश के सामने जो आ रहा है, उनसे आप यह उम्मीद करते हैं कि यह देश के लिए काम करेंगे? अरे देश के काम करने के लिए जो असल कारण क्या है, हम पैसा अपने जेब से जाके 300-300 रुपया कमा के इनको दे देते हैं, मेहनत करके पसीना बहाते हैं और ले जाके इनको दे देते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के मालिक हैं, अहंकार पैसे का अहंकार है कि हम जो चाहेंगे हम जो करेंगे, या जो अंदर
से आता है ना कि एको हम द्वितीयो नास्ति। रावण को इसी तरह से घमंड हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये घमंड जो बॉलीवुड में है उसके चलते या इस तरह देश विरोधी काम करते हैं। नहीं तो भाई साहब, यह करोड़ों करोड़ों रुपए का कपड़ा एक एक दिन पहन के और एक एक दिन पार्टी करके ख़त्म कर देते हैं। हीरो ये नहीं है, सबसे बड़ा दोष आप लोग हीरो मत कहा करिए। इन नचनियों को, भाड़ों को, जो ड्रग पी के नंगा होके और लोगों के समाज में गालियां देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली तमाम तरह के दिखाते हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे ये जितने हैं डायरेक्टर हैं, इस संस्कृति पे कभी देखे हैं? कभी ऋषि मुनियों पर कितनी फिल्में बनी हैं कभी देखे हैं आप? पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाएंगे देश विरोधी जितनी योजनाएं हैं, उसी योजना पे बनाई जाएगी। हिंदू धर्म को बार बार टारगेट किया जाएगा। या ऐसे नहीं चला आ रहा है, जब से जावेद अख्तर से लेके और सलीम खान और जितने ये जिहादी तत्व इसमें घुसे ना, एक नेक्सस बना लिया। तो सुशांत सिंह राजपूत की सोच अलग थी, वो राष्ट्रवादी सोच का आदमी था। इस काकस में ये रैकेट बनाए हैं ना, एक रैकेट है, गोल है, उसमें अगर कोई राष्ट्रवादी घुस न पाए। इनका मिशन हमेशा जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत की संस्कृति विरोधी, यह तो आने वाले दिनों में यह भी भारत माता नहीं थे, राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, यहाँ तो ये गुलामों की धरती है। ये हमेशा ये इनको पसंद है ये अंग्रेजों का कल्चर, गिटपिट करके इस देश को किसी तरह से मैनिपुलेट करके, जो इस धरती की मूल विरासत है, जो कभी दुनिया पे राज करती थी, आधा दुनिया हिंदू संस्कृति को मानता था, उससे चिढ़ है इनको, घृणा जो कहा जाता है ना, अंतरात्मा से चिढ़ है। क्या लगता है आपको, ये सुशांत सिंह राजपूत के समय में चुप रहे? कंगना रनौत का जब ऑफिस जब तोड़ा गया तब चुप रहे, अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया तब ये चुप रहे, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप इस पर? तो ये सब राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, यह आईना दिखाते हैं, जवाब देते हैं, ये उसमें बोलेंगे। यह बोलेंगे जब इनको खुशी तब मिलेगी, जब उद्धव ठाकरे कहेंगे कि हाँ अजान सुन के बहुत ज्ञान मिलता है, जो बच्चा अजान करे सबसे बढ़िया करेगा उसको पुरस्कृत करेंगे, समझ रहे हैं? ये जब जब इस देश में कहा जाता है कि भाई हमारे देश में मुगलों के नाम से कोई रोड नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, जब इन जो हम आतताई थे ना, आक्रमणकारी थे, इस देश को लूटे, लाखों लोगों को बलि चढ़ा दिए, गुरु तेग बहादुर के बच्चों को दीवालों में चुनवा दिए, कभी इस फिल्म को दिखाए हैं कभी? ये सिख आज तमाम लोग जो मस्जिदों में खड़ा होकर ये किसान आंदोलन में बैठ के पूछिए कि गुरु तेग बहादुर पे फिल्म बनी है क्या, गुरु गोविंद सिंह पे फिल्म बनी है क्या, जो उन लोगों ने उस पे ये नहीं उठाएंगे। सर, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है सुशांत के मामले में भी चुप थे बिल्कुल? नहीं, तो यही मरवाए हैं यार, इन्हीं का काकस है, इन्हीं का प्लान है, पैसा दे के ये जो वहाँ सरकार है। मैं सीधे कह रहा हूँ, अब सीबीआई क्यों पीछे पड़े, वो क्यों नहीं कर पा रही है, मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं तो संजय राउत को जिस तरह से उसकी पत्नी भ्रष्टाचार में पकड़ी गई है, अभी देखे ही हैं वो किस तरह से हंगामा खड़ा। अब वहाँ का बताइए, शिवसेना के बारे में क्या बात करूँ, जहाँ का जिसका प्रवक्ता कह रहा है मैं नंगा आदमी हूँ। अब उस जिस सर जो सरकार चला रहा है, जिसका मुख्यमंत्री है, उसका प्रवक्ता कह रहा है कि मैं नंगा आदमी हूँ, तो नंगा जब खुद कह रहा है कि मैं नंगा हूँ, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? वो कुछ भी कर सकता है, नंगा आदमी सड़क कुछ भी कर सकता है। नंगा आदमी के बारे में चाल चरित्र जो खुद कह रहा है कि मैं नंगा हूँ, हत्या करा सकता है, मर्डर कर, ये प्री चाहे वो दिशा साल्यान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, कंगना रनौत का मामला हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी का मामला हो, यह सब प्रायोजित सुनियोजित तरीके से जो भी राष्ट्रवाद के की सोच का आदमी होगा उसके खिलाफ ये कूद के पड़ेंगे। ये पूरा बॉलीवुड भी